फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा रूम का बनने वाला है। मैं आज रूम साफ करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि अभी आते आते 3 दिन मेरे रूम में रुक गई है, तो वे हमारे ही रूम में रहती थी ज़्यादातर। तो फ्रेंड्स, उसने देखी वो जो हमारे नोट्स मेकिंग पेपर थे उनको देखी, उस पर पता नहीं कुछ पेन से आर्ट्स बना बना के उनको फाड़ के फैला दिया है। देखिए, नीचे डले हुए हैं जो आप देख सकते हैं। देखिए, पूरे सारे पेपर्स मेरे फैला दिए हैं और कुछ चॉकलेट्स के रैपर खा के यहीं डले हुए हैं। कुछ चॉकलेट्स के रैपर्स हैं, कुछ आलू वगैरह यहीं काट के उसमें फ्लेवर डाल दिए हैं। और फ्रेंड्स देखिए, अभी परसों आंधी आई हुई थी तो पूरे रूम में धूल डस्ट हो गई क्योंकि विंडो वगैरह हमारी खुली हुई थी, ऊपर से रोशनदान खुला हुआ था। तो फ्रेंड्स, और देखिए जो बुक्स हमारी बुक्स हैं उन पर भी कितनी ज़्यादा धूल जम चुकी है। देखिए, फ्रेंड्स देखिए जो हमारी बुक्स वगैरह हैं इन पर देखिए, सारी बुक्स सारे सामान पर देखिए कितनी ज़्यादा धूल जम चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब हम रूम को साफ करेंगे। तो पहले हम बुक्स को बाहर शिफ्ट करेंगे रूम बुक्स को एक एक करके, फिर हम रूम को साफ करेंगे। फाइनली फ्रेंड्स, मैंने बुक सेंटर में बाहर रख दी हैं। अब ये देखिए, हमारा जो हैंगर था अभी टूटा हुआ है, अभी इसको मैंने लगाया था तो गलत जगह छेद हो गया, तो इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था। लेकिन हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने इसका सही जगह छेद करके मार्क करके इसको मैंने कील से पूरा लॉक कर देंगे ताकि ये हिले ना और ये हमारे कपड़े टांगने के यूज में हो जाएगा। फ्रेंड्स, फाइनली मैंने इसको लॉक कर दिया है। देखिए कितनी मजबूती के साथ बिल्कुल लॉक हो चुका है। और फ्रेंड्स, अब हम जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं जो पुराने हो चुका है इनको हटा देंगे और नए पे न्यूज़पेपर हम इन पे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे न्यूज़पेपर हटा दिए हैं, अब हम झाड़ू से साफ करेंगे इसे। तो फ्रेंड्स, मैंने झाड़ू लगा दी है। देखिए कितना ज़्यादा कचरा निकला है, देखिए कितनी जो धूल डस्ट वगैरह जमा हो गई थी वो देखिए कितनी ज़्यादा निकली हुई है। अब हम इसको बाहर करके रूम पानी से धुलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं पानी और वाइपर ले आया हूँ, अब मैं पूरा रूम पानी से धुलूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी ज़्यादा जो धूल जम चुकी है, देखिए पानी में बाहर निकल आई है। देखिए जो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल हो गई थी। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने रूम साफ़ कर लिया है, पानी धो दिया है, मैं वाइपर से साफ़ कर लूँगा ताकि जल्दी से सूख जाए और मैं बुक्स शिफ्ट कर सकूँ, सामान लगा सकूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ हमारे मैप्स वगैरह हैं जो लगे हुए हैं, ज्योग्राफी को पढ़ने में आसानी देते हैं। और फ्रेंड्स, ये लवासना है, सारे UPSC एस्पिरेंट्स की मंजिल है ये। तो फ्रेंड्स, फाइनली रूम साफ हो चुका है, अब हम सामान लगाएंगे। तो पहले हम टेबल को सेट करेंगे, यही टेबल रखते हैं हम, यही रीड करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पुट्ठे थे जो इनको हम साफ कर लेंगे क्योंकि इनको हम अलमारी में सेट करके इन्हीं में बुक्स लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम
कपड़ों को साफ करके अलमारी में सेट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने पट्टों को अलमारी में सेट कर लिया है, बिल्कुल देखिए आप बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अपने लैपटॉप को भी साफ कर लेते हैं, इस पर भी काफ़ी धूल जम चुकी है, हम इसको सेफ्टी से रख देंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम सारी बुक्स साफ एक एक करके साफ करके अंदर बेड पे एक साथ रख लेंगे, फिर हम बुक्स को लगाएंगे अलमारी में, क्योंकि बार बार बाहर आना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अब हम जल्दी से रूम बुक्स को साफ करके अंदर बेड पे रख लेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने बुक्स रूम साफ करके अंदर रख ली है, अब मैं इनको अलमारी में सेट करूंगा। तो पहले मैं एनसीईआरटी रखता हूँ, ऊपर वाली अलमारी में स्टैंडर्ड बुक्स रखूंगा ताकि इनको निकालने में आसानी रहे। ये भारी बुक्स होती हैं, बड़ी बुक्स होती हैं, तो इनके मैंने ऊपर अलमारी में रख ली हैं, रखते जा रहा हूँ। फ्रेंड्स से कुछ हमारी अलग से बुक्स हैं जो नोवेल्स वगैरह हैं जिनको मैं फ्री टाइम में पढ़ता हूँ। ये रोहित शर्मा का बहुत ही अच्छा नोवेल्स है जो हम लोगों को पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स फाइनली मैंने बुक्स लगा दी हैं, अब मैं जो विंडो वगैरह खुली हुई थी मैं इनको कवर करूँगा। तो फ्रेंड्स मार्केट से ग्रीन पॉलीथिन ला के देखिए विंडो को मैंने कवर कर दिया है, बाहर से रोशनदार भी कवर कर दिया। अब मैं गेट को लॉक कवर करने के लिए पॉलीथिन को मैंने नाप के काट कट कर लिया है और मैंने इसको सिल दिया है, नीचे डंडी लगा दी है और ऊपर मैंने कपड़े से लगा के कोटिंग उसको सिल दिया है ताकि वो निकले ना। मैंने देखी डंडी मैंने डबल कोटिंग करके सिल दी है, ऊपर भी मैंने कपड़ा लगा के सिल दिया है। तो फाइनल फ्रेंड्स अब हम इस रूम में लगाते हैं, कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स एक तरफ मैं लगा रहा हूँ, तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने एक तरफ मैं इसको लगा दिया है, अब दूसरी तरफ मैं इसे लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने दूसरी तरफ भी इसको लगा दिया है, अब हमारा रूम बिल्कुल कवर हो चुका है। अब धूल कैसे भी हवा चलती रहे धूल डस्ट बिल्कुल अंदर नहीं जाएगी, ना विंडो से ना गेट से। फ्रेंड अब बिल्कुल हमारा रूम पूरा सेपरेट बंद हो गया है, देखिए आप बिल्कुल गेट भी बंद, कैसे भी हवा चलती रहे बिल्कुल भी धूल नहीं आएगी, डस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं आएंगे। अभी बहुत गंदा हो गया था, अब बिल्कुल सही रहेगा। अब आज हमने पूरा रूम साफ कर लिया है, देखिए पूरा मैंने पूरा धुल दिया था बिल्कुल। अभी जो बुक्स वगैरह लगी हुई हैं हमारी, मेरी स्टडी टेबल है, ये वॉच है छोटी सी, अलार्म, ये टेबल लैंप है और ये मैप लगा हुआ है, कुछ मैप ही हैं और ये हमारी मंजिल है लवासना, जो सभी के यूपीएससी एस्पिरेंट की मंजिल होती है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है शायद, क्योंकि पूरा रूम साफ किया, फिर उसको धुला, फिर सूखने के बाद सारी बुक्स को साफ करके उन पर धूल जम गई थी उसको मैंने साफ करके पूरी बुक्स वगैरह लगाई हुई हैं, फिर इसको मतलब स्टडी टेबल वगैरह सब कुछ लगा के, और जो ये ग्रीन पॉलिथिन लाए थे इसको भी मैंने सिला, सिलने में काफ़ी टाइम लग गया है, देखिए इसको ऊपर सिला नीचे डंडी लगा के भी सिला, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आप भी स्टडी लवर हैं, अगर आप भी आप किस एग्ज़ाम की किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में अपना बताएं।
क्या किस चीज की तैयारी करना है, क्या आपका एम्स है,